दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को कई सौ वीडियोस देखने को मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैंने खुद ने सर्च करके देखा था। कई सारे ऐसे बंदे हैं जो नहीं जानते हैं कुछ भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। उनके चैनल को मैंने बाकी वीडियोज़ को देखा, उनको कुछ भी पता नहीं था, या फिर कोई भी वीडियो पोस्टेड नहीं था उनके यूट्यूब चैनल पर इस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, या फिर ऑप्शंस बाइंग या फिर ऑप्शंस सेलिंग रिलेटेड। ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं था, फिर भी बंदों ने ज्ञानबाजी की है कि कैसे आप लोग स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शंस बाइंग में पैसा गंवाते हो, तो आप लोगों को कैसे उसमें से सीखना चाहिए, जबकि उनके वीडियोस पे कुछ भी नहीं था। सो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि कई सौ वीडियोज आप लोगों ने इस टाइप के देखे रहेंगे, लेकिन विथ एग्जाम्पल कोई भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। सो इस वीडियो के एंड में, इसके बीच में, मैं आप लोगों को लगातार कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दिखाऊंगा कि हाँ, ऑप्शंस बाइंग में पैसा बनता है। वैसे तो एग्जाम्पल नंबर वन यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे कई दिन से यूट्यूब पे फॉलो करें, जर जाकर के मेरी एक्यूरेसी को चेक कर लीजिए। कोई अगर नया से फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, तो पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाकर के मेरा चैनल का जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हुए आप लोगों के लिए, जाकर के उन सारे वीडियोस का एनालिसिस को चेक कर लीजिए। आप तीन दिन स्टॉक्स में आप लोगों को एक दिन पहले देता हूँ, जो कि FNO को स्टॉक्स होते हैं, यानी कि आप लोग स्पॉट पे, फ्यूचर पे या फिर ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं, तीनों जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। सो इसका जाकर के एक बार एक्यूरेसी चेक कर लीजिए, आप लोगों को मेरा एक्यूरेसी का आइडिया आ जाएगा। सो जाहिर सी बात है, जो भी मिस्टेक्स आप लोग करते हैं ऑप्शंस बाइंग में, उनके बारे में हम लोग जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्वियसली सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें रहेगी, प्रैक्टिकल मिस्टेक्स रहेंगे, हम लोग उसमें से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, विथ एग्जांपल मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा। जबकि प्रीमियम मेल्टिंग सबसे बड़ा हथियार होता है ऑप्शन सेलर्स का, हम लोग उसे भी कैसे ओवरकम करते हैं, वो भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है, जो लोग कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, ज़रूर ये वीडियो उनके साथ में एक बार शेयर कर लीजिएगा और ज़रूर इस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का। हम लोगों का टॉपिक है कि जो सबसे बड़ी आठ गलतियां हम लोग करते हैं बीइंग ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर्स के बारे में बात नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही अच्छा खासा कैपिटल लगता है। मैं भी आप लोगों की तरह एक रिटेल ट्रेडर हूं, आप लोग भी एक रिटेल ट्रेडर है। सो जो चीजें हम लोग कर नहीं सकते हैं, जो चीजें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जो चीजें हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो चीजें हम लोग अपने डेली ट्रेडिंग के रूटीन में करते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिएगा, जब टाइम रहेगा आराम से देख लीजिएगा। हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, आई ओपनिंग सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। सो अगर टाइम रहेगा आप लोग के पास पूरा तो ही देख लीजिएगा, नहीं है तो बाद में आकर के इस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार चैनल की एक्यूरेसी देख लीजिएगा। अगर आप लोग को एक्यूरेसी अच्छी लगती, अगर आप लोगों को मेरे चैनल का कंटेंट, उसमें जो भी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, वो अगर अच्छा लग रहा है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। चलिए गाइस, शुरू करेंगे आज के सेशन को। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ बींग बैक बेंचर, एक चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहूँगा। देखिए गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास में एक गलती होती है, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस के साथ में, बहुत ज़्यादा फोकस की बात करूँ, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ में जब कभी भी हम लोग अपने स्टडीज़ को ध्यान देते हैं ना, तो गाइस बड़ी बड़ी चीज़ों में हम लोग सबसे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो छोड़ देते हैं। सो मैं आज आप लोगों को जो नया सीरीज़ अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी एजुकेशनल सीरीज़ मैंने एग्जिस्टिंग स्टार्ट करके रखा हुआ है, इसमें मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक बैकबेंचर स्टाइल में ट्रेड करेंगे, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ेंगे और छोटी छोटी चीज़ों से मैं कैसे बड़ा मुनाफा बना लेता हूँ, सारा एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जिसकी शॉर्ट्स की सीरीज भी मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखी हुई है। अगर आप लोग चेक करोगे तो डेली बेसिस पे 30,000, 35,000, 10,000, 15,000 पर लॉट का हम लोग किसी ना किसी स्टॉक ऑप्शंस में एटलीस्ट दो कॉल्स में बनाते हैं। वो मैं आप लोगों को मिड मार्केट सेशन जो होता है 1 या 2 बजे के आसपास हम लोगों का, उस टाइम पे मैं आप लोगों को शॉर्ट के जरिए सिखाते रहता हूं रोज डेली बेसिस पे कि कैसे हम लोग
छोटी चीज़ों के साथ में बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। जो आप लोगों को गलत फहमी है कि टेक्निकल या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, फिर बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं लेकिन छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो यही मैं अपने वीडियोज़ के जरिए आप लोग को सिखाते रहता हूँ कि गाइस छोटी चीज़ों के साथ में हम लोग कैसे बड़े प्रॉफिट्स को चेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाइस कि क्या आप लोगों को क्या लगता है कि कितने रिटेल ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग में और ऑप्शंस ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप लोग किसी से भी पूछोगे तो ओनली 10%, सिर्फ 10% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सक्सेसफुल होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। रेस्ट 90% ट्रेडर्स आज कमाते हैं, कल भी कमाते हैं, परसों भी कमाते हैं, लेकिन फोर्थ डे जितना कमाया है उसके साथ में, सूद के साथ में मार्केट को रिटर्न करके देते हैं। बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत लॉस के साथ में फिर मार्केट को अलविदा कहते हैं, एक मार्केट के ऊपर धब्बा लगा करके कि ऑप्शन बाइंग मतलब गैम्बलिंग है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब गैम्बलिंग है, मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता है या फिर मार्केट में सिर्फ बड़े प्लेयर से पैसा बना सकते हैं। सो आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या गलतियां हम लोग करते हैं, क्योंकि देख लीजिए गाइस, जब तक आप लोगों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा तब तक आप लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। क्यों नहीं कमा सकते हो? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी गलतियाँ आप लोग को सुधारनी पड़ेगी। मार्केट से कोई गलती नहीं होती है, बड़े प्लेयर से कोई गलती नहीं होती, उनका काम ही है हंटिंग करना, उनका काम ही है आप लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग करना। अब इतने बड़े जंगल में अगर आप लोगों को बचे रहना है तो ऑब्वियसली आपके पास कई सारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए इसमें से बचे रहने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस कि आप लोगों को जो भी मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, यानी कि आप लोगों के पास में आप लोगों को फंसाने के लिए जो भी ट्रैप्स होते हैं, सो उन ट्रैप्स को हम लोगों को अवॉइड भी करना पड़ता है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या वो 8 ट्रैप्स होते हैं जिनमें हम लोग हमेशा फेल हो जाते हैं, हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, और उन्हीं चीज़ों की वजह से 90% ऑफ ऑप्शन बायर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स पैसा नहीं कमा पाते। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे मिस्टेक नंबर 1 के साथ में। सो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करेंगे गाइस। सो सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है हम लोगों की, मिस्टेक नंबर 1 है कि हम लोगों के पास में एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, और एक्सपीरियंस कई सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को मैटर करता है। तो अगर आप लोग एक ऑप्शन बायर हैं और आप लोग इक्विटी कैश में इंट्राडे ट्रेडिंग ही नहीं करना जानते हैं और आप लोग सीधा डायरेक्टली निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पे मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग सीधा स्टॉक ऑप्शंस पे मूव ऑन कर रहे हैं, तो वो गलत है। आप लोगों को एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी आप लोग स्टार्ट करते हो गाइस, देखिए वैसे तो आप लोगों ने होल्डिंग और स्विंग ट्रेडिंग से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना चाहिए। अभी हम लोग तो सारे के सारे हैं रिटेल ट्रेडर, सो ऑब्वियसली हम लोग के पास में इतना कैपिटल नहीं होता है कि हम लोग अलग अलग पोजीशंस को अपने होल्डिंग्स में रख सके। सो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें हम लोगों को सस्ती लगती है उसके सपने हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हम लोग 10,000 रुपये लगा लेंगे, 20,000 रुपये लगा लेंगे, उसमें हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। और किसी भी चीज़ के होप्स रखना या फिर गोल्स रखना कुछ गलत बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो ऑब्वियसली उसका पूरा केस स्टडी करते हैं हम लोग, राइट। सो केस स्टडी जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वही एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आप लोग एक ऑप्शन बायर है तो सबसे पहले आप लोगों को इक्विटी कैश में ट्रेड करना आना चाहिए। आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के जो स्पॉट्स है उन्हें भी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आप लोगों में ये एक्सपीरियंस गेन होगा। अब आप लोग ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली गाइज, इसीलिए आप लोगों को मार्केट को कुछ टाइम देना होगा। ऐसा मार्केट में कोई भी 30 मार खान है नहीं कि जो मार्केट में आया और 1-2 महीने में सक्सेसफुल हो गया या फिर 6 महीने में वो सक्सेसफुल हो गया, नहीं गाइज। सबको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, चाहे वो कितने भी बड़े गुरु का चेला ना क्यों ना हो, उसे एक्सपीरियंस देना पड़ता है, क्योंकि उसका जो गुरु है वो सिर्फ उसे डायरेक्शन दिखा सकता है, वो उसे हाथ को पकड़ के चलना नहीं सिखा सकता। तो ऑब्वियसली उसको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए वो उसको देना पड़ेगा, उसका खुद का एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा। सो कई सारे वीडियोज़ मैंने भी आप लोगों के लिए पोस्ट करके रखे हुए एक्सपीरियंस के लिए, और डेली बेसिस पे जो भी वीडियोज़ या फिर मार्केट का एनालिसिस हम लोग डिस्कस करते हैं वो भी आप लोगों के एक्सपीरियंस के लिए है। सो ये हम लोगों का मिस्टेक नंबर 1 था। अब मिस्टेक नंबर 2 जो है गाइज, वो हम लोगों का है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। अब रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का क्या होता है गाइज, इसकी देख लीजिए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपायरी डेट के बैंक निफ्टी के ट्रेड्स के बारे में बात करूँ, जो कि हम लोगों के हीरो और जीरो ट्रेड्स होते हैं, सो आप लोगों के पास में 10,000 रुपीज़ का कैपिटल है लेट्स से, तो आप लोग कैलकुलेट कैसे करते हो कि 10 रुपये का स्टॉक
अगर 100 रुपये पे चला गया तो मेरी 10,000 में मान लीजिए 500 क्वांटिटी में बाई कर सकता हूँ, तो मैं पूरा 500 क्वांटिटी को बाई कर लूँगा ताकि अगर वो 100 रुपये पे चला गया तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। सो ये हम लोगों का कैलकुलेशन है, जबकि हम लोग रिस्क को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं कि अगर ये 10 रुपये का 500 क्वांटिटी जीरो हो गया तो मेरा कैपिटल 50% का मैं अपने कैपिटल पर रिस्क ले रहा हूँ। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिटेल ट्रेडर्स के बारे में, ऑप्शंस बायर के बारे में, कि हम लोग अपने रिस्क को कोई कैपिंग ही नहीं लगाते, जो कि बहुत गलत चीज है गाइस। आप लोगों को अपना रिस्क जो है किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर ले, और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी जब हम लोग अगले स्लाइड्स में मूव ऑन करेंगे तब मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि मैं अपनी एक हीरो जीरो की सीरीज स्टार्ट किया हूं, जो कि बस आप लोग को दिखाने के लिए है। उसमें मैं पहले से डिफाइन रहता है कि अगर ये कॉल जीरो हो जाती है तो मुझे 4,000 रुपए का रिस्क है, 3,000 रुपए का रिस्क है, लेकिन मुझे रिवॉर्ड मिलता है तो 10,000 15,000 इस टाइप का रिवॉर्ड मिलता है। उसे हम लोग कह सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है जब कभी भी आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है तो आप लोग उसे सेव नहीं कर पाते हो, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। अभी फिलहाल के लिए बात करेंगे यहाँ पे रिस्क के बारे में आप लोगों को। सो आप लोगों को अपने रिस्क को जो है वो डिफाइन करके रखना है कि आप लोग एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हो। ओवर ट्रेडिंग आप लोग को नहीं करना है। जब भी आप लोगों का रिस्क जो है, मान लीजिए अगर आप लोगों का 10,000 का कैपिटल है, आप लोगों ने 500 1,000 का रिस्क लिया हुआ है, अगर मेरा 1,000 का रिस्क का जो भी टारगेट था वो आज कंप्लीट हो गया तो फिर मैं अगला ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है 1,000 का 2,000 भी मेरा जो लॉस है वो आज के दिन का चला जाए, जो कि मेरे रिस्क मैनेजमेंट में नहीं है। सो ये बहुत बड़ी गलती जो है वो हम लोग करते हैं। अब थर्ड जो सबसे बड़ी मिस्टेक है गाइस, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हम लोगों के बजट में होते हैं। मान लीजिए फ्राइडे का डे है, सारे प्रीमियम के बैंक निफ्टी के जो भी स्ट्राइक प्राइजेस है वो ट्रेड कर रहे हैं 400 500 के अराउंड। सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग का बजट कम है, आपके पास सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में। सो आप लोग काम क्या करोगे, आप लोग उस रेंज का यानी 200 250 के रेंज का 500 पॉइंट सामने वाला, मतलब बैंक निफ्टी अभी जिस लेवल पे खड़ी है उससे बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस को आप लोग सेलेक्ट कर लेते हो, जिसका कि डेल्टा बहुत ज्यादा कम होता है। सो ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि ऑप्शन ग्रीक्स एग्जैक्टली क्या होता है और उन्हें कैसे यूज किया जाता है, जो कि वीडियो बहुत रेयरली आप लोग को देखने को मिलेंगी, जो बहुत ज्यादा काम की होती है आप लोगों की। सो आप लोगों को वो नहीं पता होता है, आप लोग बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस कर लेते हो, आपके हिसाब से आपके ट्रेंड के हिसाब से बैंक निफ्टी 50 60 100 पॉइंट्स मूव भी कर जाता है, लेकिन जबकि आप लोगों ने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया हुआ है वो बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस है। सो उस हिसाब से आप लोगों का जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ता है। सो आप लोग उसको होल्ड करते हो, या तो फिर अगर वो रिवर्स जाना हो गया तो भी आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी से हिट हो जाता है। सो आप लोग जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो गाइस, देख लीजिए आप लोग का बजट क्या है, उससे आप लोगों को फर्क पड़ता है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट का रिक्वायरमेंट है कि मार्केट को एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, जिनके पास कैपिटल है वही पैसा कमाते हैं, ये इस मार्केट का एक सैड ट्रूथ है, लेकिन ट्रूथ है। तो अगर ये ट्रूथ है तो फिर हम लोगों को कुछ ना कुछ कैपिटल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग कहोगे कि सर मैं लोन ले सकता हूँ, मैं कोई कहेगा मैं अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लूंगा, कुछ कोई बोलेगा मैं दोस्त से ले लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो नहीं गाइज, देख लीजिए इन सारी चीज़ों से आप लोगों का माइंड पहले से डिस्टर्ब रहेगा। सो पैसा स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग में ऐसा लगाना जो गया तो आप लोग को कोई गम नहीं है, तब जाकर के आप लोग के सारे डिसीजंस एग्जैक्टली हिट करेंगे, आप लोगों ने जो भी एम किया है उसको आपके टारगेट को हिट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग किसी से उधार लिए हो, लोन का पैसा है, कुछ भी है, तो आप लोगों के दिल में यही रहेगा कि आज मुझे कम से कम इतना निकालना है, कल मुझे कम से कम इतना निकालना है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि आप लोगों के माइंड को कंट्रोल करती है, ये आपकी साइकोलॉजी और आपकी टेंडेंसी बन जाती है कि नहीं मुझे आज रोज ही प्रॉफिट कमाना है। तो इसकी वजह से आप लोगों की जो भी डिसीजंस है वो इनकरेक्ट चले जाते हैं। बात करेंगे मिस्टेक नंबर 4 की। सो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक यही है गाइस कि आप लोग क्या करते हो, किसी भी एक यूट्यूबर के तरफ ध्यान नहीं देते हो, किसी भी एक यूट्यूबर को फॉलो नहीं करते हो। अब मेरे सब्सक्राइबर्स को देख लीजिए, थोड़ा सा कम सब्सक्राइबर्स है, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब ऑब्वियसली बंदा एक्सपीरियंस है मेरे से भी ज़्यादा, ऑब्वियसली इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं तो कुछ तो नॉलेजेबल रहेगा। तो आप लोग फिर भी क्या करते हो कि कुछ लोग मुझे भी फॉलो करेंगे,
कुछ लोग किसी और को भी फॉलो करेंगे, किसी और को भी फॉलो करेंगे, किसी और को भी फॉलो करेंगे। अब मैं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल थ्रू कोई मेरा एक बेहतरीन सेटअप से आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग किसी भी एक सेटअप को यूटिलाइज़ नहीं करते हो, आप लोग किसी एक सेटअप को यूज़ नहीं करते हो, आप लोग क्या करते हो कि उसे मिक्सअप कर देते हो अलग अलग टूल्स के साथ में। अगर मेरे किसी सेटअप में मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया उसमें सुपर ट्रेंड नहीं है, फिर भी किसी और बंदे ने उसको यूज़ करे किया था करके आप लोग इसके यहाँ पे यूज़ कर देंगे, फिर या फिर हो सकता है कि मेरा कोई आधा सेटअप ले लोगे किसी और बंदे के साथ में उसको मिक्सअप कर दोगे। सो आप लोग जो भी टूल्स यूज़ करते हो ना, आप लोगों के एफर्ट्स जो जाते हैं ना वो एकदम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप किसी भी एक को फॉलो कर लो, प्रॉपरली फॉलो करना, हो सकता है उस बंदे का 2 दिन स्टॉप लॉस उसकी स्ट्रैटेजी पर चला जाए, लेकिन अगले 4 दिन जो है वो बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आप लोग को मिले। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि पहले दिन ही स्टॉप लॉस हो गया, वो स्ट्रेटजी बंद, उस पे काम करना बंद। सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आप लोगों को। आप लोग मल्टीपल चैनल्स को फॉलो करते हो, मल्टीपल टेलीग्राम चैनल्स को, मल्टीपल मेंटर्स को फॉलो करते हो। सो मेंटर हमेशा एक ही होना चाहिए जिसे आप लोग पूरे दिलो जान से फॉलो करना, एंड तक फॉलो करना, प्रॉपरली फॉलो करना। एटलीस्ट 8-15 डेज तक तो फॉलो कर लीजिए, अगर आप लोग को रिजल्ट लग रहा है तो ही फॉलो करना, वरना फिर आप लोग स्विच ऑन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर कम से कम अगर जब भी आप लोग किसी को फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट करो, तो एटलीस्ट एक सर्टन टाइम तक आप लोग को उसे फॉलो करते रहना चाहिए। जो हम लोगों की मिस्टेक नंबर 5 है गाइज, वो सबसे इंपॉर्टेंट और 90% जब भी मैं अपने ट्रेनिंग में मेरे स्टूडेंट्स के साथ में उनके फीडबैक्स पूछता हूँ, सो कॉमन एक ही चीज के बारे में मुझे आंसर मिलता है कि उनके लॉस का वजह क्या था। कि आज बैंक निफ्टी का कोई भी अगर मेरा ट्रेड है और अगर वो मेरे फेवर में नहीं गया तो मैं उसे नेकेड होल्ड कर देता हूँ कल के दिन के लिए, या फिर कोई स्टॉक ऑप्शन है मुझे लग रहा है कि नहीं वो अपसाइड जाएगा डाउनसाइड जाएगा, विदाउट उसके ऑप्शन ग्रीक्स को देखे हुए हम लोग उसे बाई में होल्ड करके चल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 80% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स गाइस इसी से नुकसान करते हैं। अगर आप लोगों ने इसमें से नुकसान किया है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, अपनी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री को आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने कितनी बार ऑप्शंस को होल्ड करके रखा हुआ था नेक्स्ट डे के लिए और उसके वजह से आप लोगों का लॉस हो गया, जबकि आप छोटा लॉस में निकल सकते थे। अगर आप लोग के साथ में भी ऐसा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ में ऐसा हुआ। सो आप लोग को यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, एग्जैक्टली आप लोगों ने जो भी स्ट्राइक प्राइजेस सिलेक्ट की है उनका प्रीमियम इस आइस की तरह है। जितनी देर फ्रिज के बाहर ये डीप फ्रीजर के बाहर ये आइस रहेगा वो धीरे धीरे मेल्ट हो गए, एक बार एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका पूरा पानी बन जाएगा। सो आपका ऑप्शंस ऐसा ही, जितने ज़्यादा टाइम वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा उतना फास्ट में वो टाइम डीके की वजह से मेल्ट होता रहेगा। सो बीइंग ऑप्शन बायर्स हम लोग को बहुत क्विक जो मूव्स है वो पाने हैं, बहुत क्विक। जब भी आप लोग को लग रहा है कि नहीं यहाँ से ब्लास्ट होगा तभी हम लोग ऑप्शंस बाई करते हैं। सो बेसिकली गाइज अगर आप लोग को पता नहीं है तो बता दूँ, ऑप्शंस को हेजिंग के लिए बनाया गया था, ऑप्शंस को बाइंग के लिए नहीं बनाया गया था। आप लोग जब भी आप लोगों की दूसरी पोजिशंस को होल्ड करके चल रहे तब आप लोग ऑप्शंस को हेज करके चल सकते थे, इस बेसिस के ऊपर ऑप्शंस को बनाया गया था। लेकिन हमारे जैसे कुछ ट्रेडर्स हैं, हमारे जैसे कुछ रिटेल ट्रेडर्स हैं, या फिर हमारे जैसे कुछ छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग को एक ट्रेडिंग के तौर पर यूज़ कर सकते। सो पहले से ही जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए नहीं बनाई गई है हम लोग इसे सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक रिस्क ले रहे हैं। सो रिस्क अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो रिस्क प्रॉपर होना चाहिए, और जब भी हम लोग रिस्क लेते हैं वो प्रॉपर क्यों होना चाहिए, उसकी वजह यही है कि 90% लोग यहाँ पे पैसा अपना लॉस करते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो अपना दिमाग लगा करके यहाँ पे पैसा कमाते हैं। सो आज हम लोग इन्हीं आप लोगों के मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों की BTSTs और जो भी आप लोग होल्डिंग के लिए ऑप्शंस लेते हैं वो नहीं लेना है गाइज, बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो मिस्टेक्स है। मिस्टेक नंबर 6 ये है गाइज कि आप लोगों में से कई सारे लोग जो है ना वो नई नई स्ट्रैटेजीज को, नई नई आइडियाज़ को एडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा बार फेल हो जाते हैं या फिर नहीं कर पाते। अगर आप लोग देखोगे मेरे खुद के अगर वीडियोस को आप लोग देखोगे या फिर मेरे खुद के ट्रेडिंग स्टाइल को देखोगे, सो ये हमेशा चेंज होते रहता है, मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से चेंज होते रहता है। अब इसका अगर मैं परफेक्ट एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँ तो मैं एक्सपायरी वाले दिन पिछले 2 महीने से
वीक में एक बार सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन लाइव आता हूँ, जो कि पूरा दिन भर आप लोग के साथ में मेरे व्यूज को शेयर करते रहता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के। सो अगर आप लोग हर वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को उसमें नया कुछ ना कुछ दिखेगा, यानी कि मैंने अपने माइंड को कंप्लीटली ओपन करके रखा हुआ है अलग अलग चीजों को एडॉप्ट करने के लिए। सो आप लोगों को अलग अलग, इस दुनिया में कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट नॉलेज के साथ में नहीं होता है। सो आप लोगों को ऑब्वियसली एक चीज पे ध्यान देना होगा कि आप लोगों को अलग अलग चीजों पे जो है उन्हें सीखते रहना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी माइंड को हमेशा ओपन रखना होगा किसी भी टाइप के अलग नॉलेज के लिए, या फिर किसी भी टाइप के चेंज के लिए, किसी भी अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन के लिए, जो भी आप लोग अपने चार्ट्स पे देखते हैं। जो सबसे अगली इंपॉर्टेंट हम लोगों की मिस्टेक है, यानी कि मिस्टेक नंबर 7 है गाइस, वो है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। इस इमेज को देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा फनी लग रहा है, लेकिन क्या आप लोग इस टाइप का ट्रेडिंग नहीं कर चुके हैं? मैं खुद अपनी लाइफ में कर चुका हूं। जब मैं एक बिगिनर था मार्केट में, जब मैं एक इंट्राडे ट्रेडर पहले से बना था, CNBC आवाज़ को लगा देता था और उसमें से जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ अपने बुक पे लिख लेता था। जैसे ही वो लेवल आ गया फिर बाई कर दो, वो ऐसे लगा दो और वो टारगेट का वेट करो। और ट्रस्ट मी गाइस, 90% टाइम मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया है। और अगर आप लोगों को भी हिट हो गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि सर मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो कितना कितना गलत होता है। और टिप्स भी वाइस देख लीजिए, क्योंकि टिप्स देखिए, कोई भी बंदा आप लोग को अगर टिप्स दे रहा है, खुद मैं भी दे रहा हूँ, तो उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो। सो उससे होता क्या है कि आप लोग जब भी स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप लोग पूरा स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता है कि हाँ इस लेवल पे स्टॉप लॉस है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस स्टॉक का टारगेट क्या हो सकता है, अपसाइड में वो कितना मूव कर सकता है। सो जहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में लेट्स से 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है, आप लोग 1,000 रुपये में ही निकल जाते हो बाहर। सो उससे क्या होता है कि रिस्क और रिवॉर्ड का आप लोग का जो रेशियो है वो इम्पैक्ट कर जाता है, और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा है तो 3 सक्सेसफुल कॉल्स के बाद में 3 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, यानी कि 50% का भी आप लोगों का एक्यूरेसी आ जाता है। फिर भी आप लोगों का एंड ऑफ द डे प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रहता है। वो भी मैं अपने कई सारी वीडियोज़ में आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। सो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग आप लोगों को नहीं करनी है, रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है गाइज वो भी आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि रिजल्ट्स जिस किसी भी दिन रहते हैं आप ऑब्जर्व करना कभी भी, अगर किसी 10 स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, मैं अच्छे रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो देख लीजिएगा उसमें से 8 स्टॉक्स फिर भी गिरते हैं रिजल्ट्स के बाद में, क्योंकि ऑपरेटर को पता है कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त बाइंग का वॉल्यूम आने वाला है जो ट्रैपिंग के लिए उसके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग भी एक अनदर एग्जाम्पल है हम लोगों का मिस्टेक का। जो हम लोगों का लास्ट मिस्टेक है और मिस्टेक नंबर 8 है कि हम लोग इस चीज़ों को जानने में नाकामयाब हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं कि कोई कोई भी सेक्टर में, कोई भी इंडस्ट्री में या फिर कोई भी इंडेक्स में क्या कोई इवेंट आने वाला है, क्या RBI का कोई पॉलिसी का हियरिंग होने वाला है, क्या PM का कोई डिक्लेरेशन होने वाला है, क्या वो कंट्री के लिए कुछ एडवाइस्ड करने वाले हैं, या फिर कुछ भी उनके अलग अलग प्लान्स हैं। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है मार्केट के ऊपर। आप लोग किसी भी ट्रेड में होते हो और ऑप्शंस इतने फास्ट में आपके अगेंस्ट में रिवर्स हो जाते हैं कि आप लोग एग्जिट भी नहीं कर पाते हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप लोगों को बींग ऑप्शन बायर एटलीस्ट सेक्टर वाइज इवेंट्स में पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में क्या होने वाला है और कौन से सेक्टर में आज हमें एंट्री नहीं लेनी है या फिर कौन से सेक्टर में एंट्री लेनी है और क्यों लेनी है। तो सारी चीज़ें बहुत आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लोग कहोगे कि सर इतनी सारी चीज़ों को कैसे एक इंसान ध्यान में रख सकता है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, सो गाइस देख लो, ये मार्केट का रिक्वायरमेंट है, ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो भी लोग ये सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर जाते हैं वही मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कब क्या होने वाला है और कब कैसे होने वाला है। थोड़ा बहुत टाइम आप लोग को देना होगा, आजकल मोबाइल्स एंड्रॉयड फोन्स हर कोई यूज़ करता है,
और न्यूज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लोग टीवी के सामने ही बैठ करके सारी चीज़ों को कर लो। आप लोग आजकल सर्फिंग वगैरह सारे लोग करते हैं, सोशल मीडिया ये वो, उसमें से 10-15 मिनट आप लोग डेली बेसिस पे निकाल करके ये सारे इवेंट्स और सारे चीज़ों के बारे में आप लोग एक दिन पहले ही एडवांस में सारी चीज़ें पता कर सकते हो। सो ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज ये है कि फिर ऑप्शन बाइंग में क्या हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो कैसे होंगे। सो कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए प्लेलिस्ट में, जैसे कि मेरा ट्रेनिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, कई सारे एपिसोड्स मैंने कुछ स्ट्रेटजीज के वीडियो भी हैं और कुछ बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैंने एजुकेशनल बेसिस पे बना करके रखे हुए। आप लोग उन्हें जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सेटअप जो है वो सीखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आता है गाइस, क्या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे बाइंग एक गैम्बलिंग है? क्या आप लोगों को लगता है कि या ये गैम्बलिंग है? मुझे नहीं लगता है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाऊंगा सिर्फ 15 दिन के जो भी मेरे ट्रेड सेटअप्स हैं उनके बारे में। पहली बार तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सेटअप बता रहा हूँ, जो भी मैं आप लोगों को यूट्यूब पे कॉल्स देते रहता हूँ, जो भी मैं आप लोगों को कॉल्स आप एक दिन पहले एडवांस में देता हूँ, ब्रेकआउट स्टॉक्स देता हूँ 3 स्टॉक्स, जो कि अभी तक 182 एपिसोड्स हम लोगों के कंप्लीट हैं। 182 एपिसोड्स तक कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं है गए। जाकर के पूरी वीडियोस को आप लोग चेक करना यूट्यूब में, कहीं पे अगर आप लोग को स्टॉप लॉस दिखे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता देना, या फिर टेलीग्राम पे भी आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे एक आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, आप लोग यहाँ पे भी बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आप लोग का स्टॉप लॉस हो गया। सो अगर गाइज ये गैम्बलिंग है तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों नहीं है जो मैं आप लोग को एक दिन पहले देता हूँ? यानी कि ऑब्वियसली अगर चीज़ों को सही से हम लोग करते हैं तो कोई भी गैम्बलिंग यहाँ पे नहीं है। साथ में गाइज आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे के भी कुछ वीडियोस है जो कि लाइव ट्रेडिंग के मेरे प्लेलिस्ट के अंदर है, जाकर के उन वीडियोस को भी आप लोग देख लीजिए। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और जो भी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग मैं करता हूँ या फिर रिवर्सल ट्रेडिंग मैं करता हूँ उसका एक्यूरेसी किस टाइप का है वो भी आप लोगों को गाइज ऑलमोस्ट 95% 99% का मिल जाएगा, यानी कि ये गैम्बलिंग नहीं है। और एक एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पे देख लेंगे गाइज, यहाँ पे देख लीजिए गाइज, मैंने एक आउट द मनी, मैंने आप लोग को अभी कहा था कि आप लोग को आउट द मनी पे ट्रेड नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने आउट द मनी के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर के रखा हुआ है। 1 जनवरी 2022 से लेके 14 जनवरी 2022 का ये डेटा है, यानी कि 14 दिनों का मैंने आप लोग के साथ में यहाँ पे डेटा शेयर करके रखा हुआ है। सो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहली बार तो कोटक बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट किया था। कोटक बैंक के बाद में देख लीजिए हम लोग को यहाँ पे 300% का रिटर्न मिला था, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों को किया था वो 3 टाइम्स हो गया था। निफ्टी में 400 का है। सो यहाँ पे सारा परसेंटेज है, आप लोग इस वीडियो को देख करके पॉज करके आराम से देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक IGL की कॉल हीरो और जीरो की देख लीजिए, 2 रुपये 30 पैसे पे बाई करवाई है और 1.9 इसका लो चल रहा है और 550 का लॉस चल रहा है इसमें। सो वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 21% का लॉस चल रहा है। बस एक लॉस मैंने जितने भी यहाँ तक कॉल दिए हैं सारे के रिटर्न्स आप लोगों के सामने हैं। अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को वो कॉल्स भी दिखाऊंगा उसके डेट्स के साथ में। वीडियो को पॉज करके सारे जो भी स्टॉक्स है अपने चार्ट्स पे एक बार ज़रूर जा करके चेक कर लेना, क्योंकि ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों से आउट द मनी ट्रेड करवा रहा हूँ, जबकि आउट द मनी जो है गाइस वो जब भी आप लोग ट्रेड करते हो तो उसमें प्रीमियम मेल्टिंग बहुत फास्ट होता है। अब ये प्रीमियम मेल्टिंग फास्ट हो रहा है फिर भी मुझे इतना बड़ा सा जो रिटर्न है वो ऑप्शन बाइंग से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसके भी कई सारे लॉजिक्स हैं, यानी कि, और मैं आप लोग को ये चीज़ें इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये ऑप्शन बाइंग जरा भी गैम्बलिंग नहीं है। चीजें अगर सही से करोगे तो इसके जैसा पैसा किसी भी सेगमेंट में नहीं बनता। आप क्रिप्टो कर लो, आप फॉरेक्स कर लो, आप कैश इक्विटी कर लो, फ्यूचर कर लो, कुछ भी कर लो गाइस, ट्रस्ट मी ऑप्शंस के जितना पैसा आप लोग को कोई भी अदर सेगमेंट नहीं बना करके दे सकता है। तो ये मेरे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग को यहाँ पे इसके रिटर्न के साथ में दिए हैं। और देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो मेरा प्राइम रिसर्च ग्रुप है उसके भी स्नैपशॉट्स आप लोगों के लिए डे वाइज डाले हुए हैं, स्टॉप लॉस के साथ में सारी चीजें हैं। अब मैं जो आप लोगों का रिस्क को डिफाइन करने की बात कर रहा था ना गाइज, वो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप लोगों का जो रिस्क है वो है 2560। मतलब इतना रिस्क अगर आप लोग ले सकते हो तभी आप लोग को इसमें एंट्री करनी है, और आप लोग को पहले से डिफाइन है कि नहीं, अगर मैं इस ट्रेड में
जा रहा हूं, अगर मैं इस ट्रेड में एंटर कर रहा हूं, तो मेरा इतना लॉस जो है वो फिक्स है। मतलब अब इसके बाद में इसमें फियर आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आप लोग को पहले से पता है कि आप लोगों ने कितना रिस्क लिया हुआ। सो मैं अपने रिस्क के बारे में जो बात कर रहा था वो इसी बारे में बात कर रहा था। अब इन सारी चीजों को आप लोग आराम से वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, सारी चीजें अपने चार्ट्स पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। एक्सपायरी जो है 27 जैन को है, तब तक आप लोग सारे चार्ट्स को आराम से देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और फिर अपना ओपिनियन आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता देना ज़रूर कि क्या ऑप्शन बाइंग्स में प्रीमियम मेल्ट होता है, फिर भी हम लोगों का प्रॉफिट हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है गाइस, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को चीज़ों को सही से करना आना चाहिए। तो जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में 8 मिस्टेक्स आप लोगों के जो डिस्कस किए थे, उनके बारे में आप लोग को एक बार सोचना चाहिए, आप लोग को इनके ऊपर काम भी करना चाहिए। रही बात ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, रही बात कैसे आउट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस को मैं ट्रेड करता हूँ कैसे, तो वो मैं अपने हर जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसके थ्रू आप लोग को सिखाते रहूँगा। जो भी शॉर्ट्स में बनाता हूँ, जिन स्टॉक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है हमें, उसके ऊपर मैं डेली बेसिस पे सिर्फ इसीलिए शॉर्ट बनाता हूँ ताकि आप लोग सीख सको कि कितना छोटा सा चीज़ था वो जो आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया था, बहुत नॉमिनल चीज़ था लेकिन कितना बड़ा प्रॉफिट दे करके गया। सो इसीलिए मैं वो शॉर्ट भी आप लोगों के लिए पोस्ट करते रहता हूँ, आप लोग को ज़रूर से देख लेना चाहिए। अगर गाइज आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक थ्रू आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, अगर जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोग को बोली है वो आप लोग को अच्छी लगी है, प्रैक्टिकल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।